आइए, SBI के मुख्य शाखा पे हम मौजूद हैं। हमारे बीच पुनीत शंकर पाठक जी पांडे जी, पुनीत शंकर पांडे जी हैं जो कैश अफसर हैं यहाँ पे, जो बता रहे हैं कि खास तौर पे SBI से जुड़े ग्राहकों के लिए उनके लिए क्या बैंक सुविधा दे रहा है, ये बात करते हैं। सर, बार बार ये आता है कि बैंक उनके लिए क्या कर रहा है, जो आप के बैंक से लोग जुड़े हैं, क्या इधर कुछ सुविधाएँ बढ़ी हैं क्या? बिल्कुल बढ़ी हैं। बैंक जो है स्टेट बैंक अल्टरनेट चैनल की तरफ जो है जितनी सुविधाएं बढ़ा सकता है बढ़ा रहा है। जैसे अभी रिसेंट में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू FX आउट फैसिलिटी के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस भेजने के लिए पहले 4 कंट्री के लिए ही एप्लीकेबल था नेट बैंक के थ्रू स्टेट बैंक के, अब नियर अबाउट सारी कंट्री के लिए कर दिया है। तो आप आसानी से 7 लाख रुपये तक विदाउट टैक्स, ओनली फॉर द यू हैव टू पे द एक्सचेंज रेट, आप पैसा भेज सकते हैं। उसके ऊपर 5% टैक्स है, बाकी यह एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है फॉरेन में रेमिटेंस भेजने के लिए नेट बैंकिंग के थ्रू। मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं नेट बैंकिंग का अधिकतम यूज करें और कैश ट्रांजेक्शन से बचें। एक और चीज़ जानकारी चाहते हैं, जैसे डिफेक्टेड जो नोट हो जाते हैं 500-2000, वो अगर कोई चेंज करना चाहता है या कोई रखा हो तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया? बिल्कुल है, ये फैसिलिटी लगभग सारी ब्रांचेज में उपलब्ध होती हैं, सारे बैंकों के उपलब्ध होती हैं। दो कैटेगरी होती है, एक सॉयल नोट होती है, एक होती है म्यूटिलेटेड नोट। सॉयल नोट वो हो जाती है जो चलन में प्रचलन में रहते हुए गंदी हो जाए या वैसे हो जाए, या 10 रुपीज के ऊपर 2 पीस के ऊपर जो 2 पीस होते हैं उनको सॉयल में कन्वर्ट करते हैं। बाकी कुछ जो नोटें जो होते हैं उनको जो म्यूटिलेटेड कहते हैं, जैसे मोर देन 3 पीस और जिनके मतलब पार्ट्स मिसिंग हो उनको जो है म्यूटिलेटेड में कहते हैं। तो वो एज पर RBI गाइडलाइन अपना जो है जो भी उनका 50% या जो भी रेट है मिसिंग पार्ट देख करके उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। वो सारी ब्रांचेज में कहीं कर सकते हैं। देखा जा रहा है तो लोग तो कई जगह शिकायतें आ रही है कि मुख्य ब्रांच ही देख रहा है, बाकी छोटी छोटी ब्रांचों को जो शाखाएं उन पर बंद है। छोटी ब्रांचेज में ऐसे केस आते भी कम है कि म्यूटिलेटेड नोट के, ज़्यादातर चूँकि पिछड़ा एरिया है तो लोगों को जानकारी भी नहीं है इन सब एरिया में, लेकिन बैंक टाइम टू टाइम इसको एडवर्टाइज भी करता रहता है कि आप जो है किसी ब्रांच में जा करके किसी भी बैंक का आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इसी बैंक में होगा या इसी ब्रांच में होगा, हर जगह चेंज कर सकते हैं। तो कितने जुड़े हैं बैंक, कितने जुड़े हैं आपके मुख्य शाखा से? छोटी छोटी शाखाएँ कितनी हैं यहाँ पे? RBO वाइज हमारा कैटेगराइजेशन होता है, जैसे ये बलिया RBO में मऊ के कुछ ब्रांचें और बलिया कुछ ब्रांचेज होती हैं, तो टोटल 46 ब्रांचें हैं स्टेट बैंक के जो 2 जिलों को कवर करती हैं। RBO ऑनलाइन से बैंक में भीड़ कम हुई है? काफ़ी कम हुई है, काफ़ी कम भी हुई है, लोगों को आसानी हुई है, टाइम की भी बचत हो रही है। तो जितना अल्टरनेट चैनल पे आप मूव कर पाएंगे उतना अच्छा है, जैसे बैंक स्टेट बैंक योनो ऐप है बहुत बढ़िया, उसको आप यूज करें। चलिए, पुनीत जी ने बताया कि बैंक हर तरह की सुविधाएं ग्राहकों को दे रहा है, बस आपको लाभ उठाना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।